नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा स्वागत करता हूं हमारे चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम बात कर रहे हैं क्लस्टर बी की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। सोशल ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, सब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो एंटी सोशल का मतलब हुआ जो इस नियम को तोड़ते हैं, वो दूसरों का भला नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाकियों के बारे में नहीं सोचते। तो ये डिफरेंट कैसे है नार्सिज्म का, बिकॉज नार्सिज्म वाले लोग भी अपने बारे में ही सोचते हैं और अपने आप को महान समझते हैं, बट जो एंटी सोशल लोग होते हैं वो क्रिमिनल माइंडेड, मैनिपुलेटिव, झूठ बोलना, ठगना और दूसरों का गलत फ़ायदा उठाना, मैनिपुलेट करना, स्कैम्स करना और रैश ड्राइविंग करना, इंपल्सिव बिहेवियर, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो एक्चुअली इसके 7 क्राइटेरिया होते हैं जिसमें से 4 प्रेजेंट होने चाहिए 18 साल की उम्र के बाद, और 15 साल की उम्र में भी कंडक्ट डिसऑर्डर का डायग्नोसिस इनका फुलफिल होना चाहिए। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है, क्योंकि वो बच्चों में होता है, 18 साल के बाद लोग अडल्ट हो जाते हैं। दिल्ली रेप केस में भी आपने देखा होगा कि जो लड़का सबसे वॉयलेंट था उसको छोड़ दिया गया 3 ही साल के बाद, क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से नीचे थी, तो उसका डायग्नोसिस बनेगा कंडक्ट डिसऑर्डर, ना कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बिकॉज जिनकी उम्र 18 साल से नीचे होती है उनको जुवेनाइल कोर्ट्स में ट्राई किया जाता है, ना कि अडल्ट कोर्ट्स में। उसकी उस पर्टिकुलर केस की वजह से लॉ आया और लॉ में चेंजेस किए गए कि आने वाले समय में रेप और मर्डर के चार्जेस में 16 साल के बाद ही बच्चे को अडल्ट माना जाएगा, बट हमारे क्राइटेरिया में एज ए साइकियाट्रिस्ट कोई फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हैं। तो आई विल गो 1 by 1, टोटल आर 7, जिसमें से 4 प्रेजेंट होने चाहिए 18 साल की उम्र के बाद। वैसे शुरुआती लक्षण में ही पता लग जाएगा कि उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था। अगर आपको स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी याद है, वैसे तो काफ़ी पुरानी हो गई, उसमें जो उसका बड़ा भाई था उसको पहले कंडक्ट था, अल्टीमेटली वो एंटी सोशल बना और एंड में तो उसने खुद को गोली ही मार ली थी। सो एनीवे, तो इसमें एक क्राइटेरिया है जो अक्सर डायलॉग आपने सबने अपने माँ बाप से सुना होगा, उसको बोलते हैं लैक ऑफ रिमोर्स। आपने सुना होगा, देखो इसकी आँखों में देखो, कोई शर्म नज़र आ रही है आपको? खासकर जब नंबर कम आते हैं या कोई गलत काम करके आते हैं, हम सॉरी भी कह रहे हैं और हम उसको मान भी रहे हैं, लेकिन घर वाले आगे से क्या बोलते, देखो शर्म करो कुछ, आँखों में देखो इसकी। बट इनकी आँखों में सच में ही शर्म नहीं होती है, माँ बाप को शर्म आ जाएगी बट इनको कोई शर्म नहीं आती है। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ रिमोर्स, नहीं है कोई शर्म, नहीं है कोई हया, जो किया किया तेरे बाप का क्यों किया, किया तो अपने बाप का भी, बट डायलॉग जो है डायलॉग है। उसके बाद होते हैं इर्रेस्पॉन्सिबल। काफ़ी बार पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, अब बच्चे तो आजकल अजीब बात क्या है कि 24-25 साल का भी बच्चा ही होता है। अगर मैं अपने दादा की बात करूँ या अपने पापा की बात करूँ, तो 17-18 साल में लोग जवान हो जाते थे और उसके बाद लाहौर चले जाते थे, पंजाबी लोग हैं हम, तो वहाँ पर जाके नौकरियाँ करते थे, घर पालते थे और इतनी सारी जिम्मेवारियाँ लेते थे। बट आजकल की जनरेशन क्या है, वो सारी ऐश भी करना चाहती है और बच्चा भी रहना चाहती है। बच्चा इस तरह रहना चाहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर रहे, और ऐश इसलिए करना चाहती है कि पैदा किया है तो पैसे नहीं दोगे तुम, तो इस तरह के डायलॉग सुनने को मिलते हैं। तो कई बार क्या, घर वाले बोलते हैं कि ना इनका बिजनेस है और ये बिजनेस में मेरे साथ बैठता है, मैं उनको ओके जी। फिर कई बार मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर आपका ये लड़का आपका एम्प्लॉई होता, और जिस तरह से ये दोपहर को 2 बजे आता है और 2 घंटे में गायब हो जाता है और गले से कुछ पैसे भी ले जाता है, तो क्या आप इसको नौकरी पर रखते? तो अक्सर गर्दन झुका के उसका आंसर होता है नहीं। तो ये लोग जो होते हैं कम्प्लीटली इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी जिम्मेवारी को नहीं लेते। इन्होंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं होता कि दूसरे भी दुनिया में हैं जिनकी कुछ अरमान है जो हमें पूरे करने चाहिए। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी उम्र हो गई है, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। सो इसको बोलते हैं इर्रेस्पॉन्सिबल। फिर होता है फेलियर टू ओबेज लॉज या नॉर्म्स, या कुछ ऐसा बिहेव करेंगे कि कहीं ना कहीं ये लॉ में फंस जाएंगे। चोरी कर ली, गाड़ी उठा ली। अब जैसे एक बार मुझे याद है कि जब मैं शिमला में MBBS कर रहा था, तो कुछ कॉलेज के लड़कों ने रात को 4-5 लड़कों ने वो गाड़ी गायब कर देते थे, किसी की गाड़ी ली, घूमे फिरे, दारू की बोतलें छोड़ दी, अल्टीमेटली वो पकड़े गए, वो एक अलग बात है। तो मज़ा आता है, एक थ्रिल मिलती है, वो एज वाली फीलिंग नहीं होती जैसे आप क्लिफ के एंगल पे खड़े हैं कि जम मारू ना मजरू, तो उसमें थ्रिल मिलती है कि हमने पुलिस वालों को भी गच्चा दे दिया, हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, बिना हेलमेट के ही चलाना है मैंने, कोई आएगा तो देख लूँगा, तू मेरे बाप को नहीं जानता, वट एवर।
देन इज लाइंग डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। अक्सर आपने शारदा स्कैम सुना होगा, कई स्कैम होते आए हैं। हमारे टाइम में गोल्ड फॉरेस्ट स्कैम था जो देहरादून में हुआ था, चंदन के बाग लगने वाले थे। तो बड़े ही करिश्मेटिक लोग होते हैं ये, और आपने देखा होगा जब भी मूवी में डॉन आता है या विलन आता है तो लोग भी तालियां बजाते हैं, एटीट्यूड जो डॉन में होता है। और अक्सर उसके हाथ में एक दारू का ग्लास और सिगार होता है, क्योंकि 70% जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं वो अल्कोहलिक भी होते हैं। तो ये झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। या एक बार मैं बनारस गया था लेक्चर लेने के लिए, तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा यहाँ की खास चीज़ क्या है, और वो मुस्कुराया। मैंने कहा इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है, कहता डॉक्टर साहब आप ये नहीं जानते बनारस के ठग। मैंने कहा ओहो मैं भूल गया था, तो ठग ऑफ हिंदुस्तान मूवी आई थी वो तो बकवास थी, बट वो बनारस के ठग। तो उसने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाई मुझे, मुझे उसी पर डाउट होने लगा कि मैं सही टैक्सी में बैठा हूँ कि नहीं। उसके बाद इम्पल्सिव बिहेवियर है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे कुछ करना। हाथ में वैसे तो फायर आर्म्स होते हैं, मतलब कभी चक्कू रख लिया या कभी पिस्टल रख ली, दिल किया हवा में गोली चला दी, दिल किया ऐसी चला दी और किसी की डेथ हो गई। शादी में आपने देखा होगा थोड़ी सी दारू पी, एक रिश्तेदार ने ठाँ ऊपर करनी थी, ठाँ सामने हो गया, मासी की बेटी गई। एक रियल इंसिडेंट है हमारे जानने वाले का। तो उसके बाद पुलिस उसके पीछे और वो आगे आगे, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो ये जो लोग हैं इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, हो जाता है, करते थोड़ी है जानबूझ के, हो गया हो गया, हो गया तो क्या हो गया, दैट इज़ लैक ऑफ रिमोर्स। उसके बाद है इरिटेबिलिटी, अग्रेशन, फ्रीक्वेंटली एंगेज इन फाइट्स। आप पंगा तो लेके देखो, ये हमेशा ही तैयार होते हैं पंगे लेने के लिए। उसको कुट दिया, उससे पिट गए, ऐसा नहीं है कि मार नहीं खाते भाई, जो मारेगा वो मार भी खाएगा, बट इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ड्राइविंग में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, यूं कट मारा वूं कट मारा, आपको ऐसे लोगों से पंगा ही लेना, बोला थैंक यू जी आप आगे निकलिए, हमारी गलती है, नहीं तो आप पंगा लेंगे तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, कि हो सकता है उस बंदे को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। उसके बाद अगला क्राइटेरिया यही है कि बैलेंटली डिसरिगार्ड द सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो ना अपनी सेफ्टी की कोई चिंता होती है इनको, और ना ही किसी दूसरे की सेफ्टी की चिंता होती है, जैसे ड्राइविंग की मैंने बात की थी अभी। तो ये 7 क्राइटेरिया हैं, अगर किसी में इस 7 में से 4 क्राइटेरिया प्रेजेंट है, और ऐसा 18 साल की उम्र के बाद है, और 15 साल की उम्र से पहले ही कंडक्ट डिसऑर्डर भी था उसमें भी वही होता है, स्कूल से भाग जाना, और उसके बाद दूसरे बच्चों को तंग करना, गाय के पीछे डंडा लेके भागना, कुत्ते को पत्थर मारना, किसी गाड़ी का शीशा तोड़ देना, चोरी कर लेना, एंड सो ऑन। तो बड़ा होके फिर वो बड़े बड़े काम करेगा, पहले कुत्ते को मारेगा, फिर बंदे को मारेगा, फिर गाड़ी का शीशा तोड़ेगा, फिर इसे घर का शीशा तोड़ेगा, बड़े लेवल की चोरी करेगा, छोटा थोड़ी रह गया वो, बड़ा हो गया वो, छोटी मोटी गाड़ी का शीशा तोड़ेगा, ट्रेन ही चोरी कर लेगा, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसा कि नाम ही जताता है कि ये सोसाइटी के नियमों को तोड़ने में ही इनको मज़ा आता है। तो ये है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की तरह ये भी अपने ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं होते। कभी कभार फैमिली का डाइवोर्स हो रहा हो, या कोई पैसों की धमकी देते घर वाले, तो शायद ये साइकोथेरेपी या इलाज के लिए आ जाएं, बट ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होते। और कई बार मैंने देखा ये काफ़ी करिश्मेटिक होते हैं, इनसे बात करने में काफ़ी मज़ा आता है, और क्लिनिक में भी मैंने देखा है कि सच में इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बट होती खतरनाक है। बोलते हैं डॉक्टर साहब आपको कोई उंगली दिखा देना, हमें बता देना। मैंने कहा भाई तेरे तेरे से तो बच जाएँ, बाकी को तो हम खुद देख लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ जिनको इनकी ज़रूरत हो, और कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।